दोस्तों आज किस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पांच स्मार्टफोन के बारे में। सही फोन में आपको 5G देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस आपको टॉप क्लास का देखने को मिलने वाला है, डिस्प्ले बढ़िया देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको कैमरा और बैटरी भी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। IQ Z3 जो आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ देखने को मिलता है, 19000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 768 देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है और ये आपको 5G फोन देखने को मिलता है जो दोस्तों आपको दो 5G बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन। सर दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह आप बढ़िया कर पाएंगे। दोस्तों साथ ही इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, इसमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। कैमरा आउटपुट बढ़िया देखने को मिल जाएगा इस फोन में। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इसमें आपको 4000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और 55W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एक अच्छा फोन आपको देखने को मिलता है IQ की तरफ से, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा पुराना फोन देखने को मिलता है। अगर आप लेटेस्ट फोन लेना चाहते हैं इस फोन को छोड़कर अगले फोन के बारे में देख सकते हैं। Samsung Galaxy F23 5G जो दोस्तों आपको एक लेटेस्ट फोन देखने को मिलता है प्लस नॉन चाइनीज फोन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों 6GB रैम और 128GB इंटरनल का आपको इसका पड़ने वाला है, 17000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। सर दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। IPS LCD या फिर AMOLED होता तो और बेटर हो जाता इसका डिस्प्ले, लेकिन इसमें आपको TFT देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको रिफ्रेश रेट बढ़िया देखने को मिलता है। Qualcomm Snapdragon 750G देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस आपको टॉप क्लास का देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा इस फोन में। कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है, इसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8MP और 2MP का कैमरा साथ में रहने वाला है। साथ में दोस्तों बात करते हैं इसके सेल्फी के बारे में तो सेल्फी में आपको थोड़ा सा कंजूसी देखने को मिल जाएगा, 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी आपको बढ़िया दिया गया इसमें, 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और 25W का आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, Android 12 आपको देखने को मिल जाएगा और Samsung One UI आपको इस फोन में देखने को मिलता है। 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन, तो दोस्तों एक अच्छा फोन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका आपको TFT की वजह से अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो अगले फोन के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। Realme 9 Pro जो दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिलता है, 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन। सर दोस्तों इसमें आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल का 18000 के अंदर देखने को मिल जाता है। सर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको Snapdragon 695 देखने को मिलता है, गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, दमदार प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रियर में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा रहने वाला है। सर दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में तो 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, 33W का डार्क चार्जिंग वगैरह देखने को मिलता है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, Android 12 आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है, साथ में Realme UI देखने को मिल जाता है, एक बढ़िया फोन देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा रैम कम देखने को मिलता है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, कैमरा आउटपुट बढ़िया देखने को मिल जाएगा, डिजाइन आपको थोड़ा सा कम पसंद आएगा, लेकिन ठीक ठाक आपको फोन देखने को मिल जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं फोन Realme की तरफ से तो इस फोन के साथ भी आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, Moto G71 जो दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिलता है, 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन, 6GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ देखने को मिलता है, 19000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। सर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो Snapdragon 695 देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह आप बढ़िया कर पाएंगे इस फोन में। सर दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा सा बेटर होता तो और अच्छा हो जाता। सर दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा फीचर्स के बारे में तो ट्रिपल कैमरा आपको रियर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सर दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी और 33W का फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिलता है, रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। अगर आप एक रियल 5G फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा बैंड्स मिले 5G वाले तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं, इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता तो और बेटर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, Realme 9 SE 5G जिसमें दोस्तों आपको 5 5G बैंड देखने को मिलने वाला है और ये फोन दोस्तों आपको लेटेस्ट फोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस आपको 19,999 देखने को मिलता है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल का Snapdragon 778G देखने को मिलेगा जो दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है, 20000 के अंदर एक गेमिंग फोन चाहते हैं तो इस फोन के साथ आप जा सकते हैं और इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो गेमिंग के लिए अच्छा इस
डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। 5 MAH की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है और 30 W का फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको इस फोन में देखने को मिलता है। और इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा रियर में, सेल्फी इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, कैमरा आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। साथ दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, रियलमी UI देखने को मिलता है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। एक बढ़िया फोन आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं इस फोन के साथ भी जा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 5 GB देखने को मिलता है, ओवरऑल बोले तो अच्छा फोन देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख लीजिएगा।